शाहजहांपुर महाकाली पैलेस होटल में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर 12 जनवरी को होने वाले यंग इंडिया रन के आयोजन को लेकर बात हुई। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर के पदाधिकारी संकेत श्रीवास्तव और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 2014 से पहले मोदी जी के आने से पहले सीमाओं की क्या स्थिति थी और अब सीमाओं पर आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा पूरा रिपोर्ट तैयार करना, तो उसके कभी हमारी वर्चुअल है नेक्स्ट महीने, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। उसमें हमने यूपी को भी रखा है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट को, पीलीभीत बहराइच लखीमपुर, इनकी नेपाल से सीमाएं लगती हैं, तो ऐसे उन स्टेटों के उन जगहों को हमने ये तय किया है, तो वो भी एक हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम आने वाला है नेक्स्ट मंथ इसको होगा, तो उसको लेकर भी एक बार अभी सब लोग बैठेंगे। अभी एक उसकी वर्चुअल है शाम को रखा जाएगा विवेकानंद जयंती पर। 12 जनवरी को युवाओं के आदर्श हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक आह्वान हुआ है कि एक हम यंग इंडिया रन, एक मैराथन दौड़ का आयोजन करने जा सकते हैं। यह दौड़ का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त संगठनात्मक इकाइयों पर होगा। इसके निमित्त आज मेरा शाहजहांपुर महानगर आना हुआ है। यहाँ शाहजहांपुर युवा मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री मेरे साथ हैं, अन्य कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। हम सब लोगों ने स्थान का भी चयन किया है। यहाँ पर तो हथौड़ा स्थान पर जो स्टेडियम है नायक जदुनाथ सिंह, उस स्टेडियम से ये कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होगा और खिरनी बाग मैदान पर ये हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके लिए हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है और इसमें हमने सब नौजवानों से आह्वान किया है, जो लोग फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो लोग रनिंग करते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं, महिलाएं भी जुड़ सकती हैं, बच्चियां भी जुड़ सकती हैं, जो लोग दौड़ना चाहते हैं, जो लोग मैराथन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम उन सबसे ये आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। और हमने इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की है, सभी लोगों के लिए सर्टिफिकेट की व्यवस्था की है, और क्योंकि विवेकानंद जी सबके रोल मॉडल थे, इसलिए मैं पूरे शाहजहांपुर की नौजवान शक्ति को यह आह्वान करता हूँ कि वह इस मैराथन से जुड़े और इस मैराथन में भाग लेकर मुझे हमारी पूरे युवा मोर्चा को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कितने लोग संभावना है इसे जुड़ने? हमने मिनिमम इसमें 200 लोगों का टारगेट बनाया है कि हम जो मैराथन करेंगे उसमें मिनिमम 200 लोग तो हो ही, अधिक से अधिक जितने भी हो सकते हैं उन सबका स्वागत है, लेकिन मिनिमम 200 लोग हमारे मैराथन में रहने वाले हैं। क्या मैसेज होगा इसका? मैसेज है स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने इस देश की अखंडता के लिए और एक युवाओं को उन्होंने जो संदेश दिया था कि उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति से पहले रुको मत, तो रुकना नहीं है, मैराथन में भी नहीं रुकना है, उन्हीं को तब रुकना है जब बिल्कुल जब वो लाइन पार कर जाए, प्रथम स्थान ले आए तब रुकना है। और विवेकानंद जी ने हमेशा से इस देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए काम किया, तो सभी लोग मिलकर उनके आदर्शों पर चलने का काम करेंगे, ऐसा आह्वान भारतीय जनता युवा मोर्चा करता है। कहाँ से शुरू होगा ये मैराथन? जो हथौड़ा गाँव पर जो आपका स्टेडियम है, परमवीर चक्र नायक जगन्नाथ सिंह स्टेडियम, वहां से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। वहां भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारी मंत्री वहां रहेंगे और वहां से ये कार्यक्रम शुरू होते होते खिरनी बाग मैदान पर ये कार्यक्रम समाप्त होगा। रोड पर होगी मैराथन? हाँ, रोड पर होगी। उसके लिए हम पूरी व्यवस्था से बातचीत करेंगे, हम एसपी ट्रैफिक को बात करेंगे, हम सीएमओ से भी बात करेंगे, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रखेंगे, पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा इस मैराथन को सफल करेगा। क्या कोई सेलिब्रिटी भी आ रहा है? कोई सेलिब्रिटी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेलिब्रिटी है और सभी कार्यकर्ता आप सब सेलिब्रिटी है, आप सब लोग रहेंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम अपनी श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। ठीक है। और खिरनी बाग मैदान पर ही हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके लिए हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है और इसमें हमने सब नौजवानों से आह्वान किया है, जो लोग फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए हैं।